गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी कुछ टाइम पहले से ही मैं लेमन वाटर और उसके साथ कुछ पत्ते नीम के ले रहा हूँ। मुझे फ़िलहाल तो अभी तक इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बट आई नो कुछ टाइम बाद होगा ज़रूर। सो लेट्स डू इट। ये बहुत कड़वा होता है। A few moments later. अभी इस वक्त सुबह के 8:15 बज चुके हैं। It's 8:15 now. So आज का प्लान ये है कि हमें जाना है एक बहुत ही खास मूवी देखने के लिए, जिसका नाम है द स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरी फर्स्ट वीडियो में, कि आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। सो हम लोग जा रहे हैं स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स देखने। सो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। सो फॉर द मूवी मैं सोच रहा था कि मुझे ये वाली टी शर्ट पहननी चाहिए, शर्ट। मैं इसे ज़रा दूर से दिखा देता हूँ। सो इसके साथ मैं ब्लैक जॉगर्स पहन लूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मूवी के बाद मैं डायरेक्टली जिम चला जाऊँगा। सो इट विल बी वर्थ इट। सो द आउटफिट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। इट्स नाइस एंड कूल। अब थोड़े बाल सेटअप कर लेते हैं और फटाफट निकलते हैं मूवी के लिए। सो आउटफिट, ईयरफोन्स, वॉच एंड बैग इज रेडी। सो लेट मी कैच यू इन द थिएटर्स। सो राइट नाउ आई एम इन द मॉल और अभी जा रहे हैं हम लोग मूवी देखने। भाई मैंने सुबह सुबह 9:30 की टिकट ली है, सो लेट्स सी कितने लोग रहते हैं। भाई यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, इतने सुबह सुबह कोई आता नहीं है क्या? ओहो भाई कोई नहीं है यहाँ पर। लेट्स सी कोई है कि नहीं। सबसे टॉप वाली प्राइम 9:30 वाली। यस देख लीजिए भाई, इस टाइम ना तो मॉल में कोई है और ना ही PVR में। मैं आई थिंक अकेला ही मूवी देखने वाला हूँ। Literally भाई कोई नहीं। Literally सुबह सुबह तो कोई नहीं आता। मैं लगता है अकेला ही मूवी देखने वाला हूँ। सीरियसली कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा है, I'll enjoy my time. सो दिस इज माई सीट, बिल्कुल सेंटर में, एंड पूरी थिएटर खाली है। Truth is, that is what makes these chips catastrophic. I mean, why don't you try having one? And then the second. And before you realize it, you would have finished an island's worth of chips. And as a result, the all-consuming rage of these chips will... ये कहानी है भाई, मैं इसे देखने वाला हूँ फॉर श्योर। भले ही जितने सारे भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो, चाहे कुछ भी हो, बट स्टिल वी आर गोना वॉच मर्यादा का उत्सव आदि पुरुष एट एनी हाउ। टेल मी हु इज द फैन ऑफ DC यूनिवर्स, बिकॉज मैं उतना DC यूनिवर्स को फॉलो नहीं करता, बट फ्लैश लिटरली एक अच्छी मूवी शायद होगी। ओ बैटमैन, तुम तो मैं हूँ बैटमैन। ओह
बैटमैन की नई कार। तो फ्लैश सिर्फ सिनेमाघरों में। अब मूवी स्टार्ट होने वाली है, लेट्स सी हाउ इट विल बी। भाई जल्दी स्टार्ट होना। Meanwhile, इसने कई मुश्किलों का सामना किया है। I know कि you don't want spoilers, इसलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और आई एम गोना एंजॉय द मूवी। और मैं आपको घर जाके मिलता हूँ और बताता हूँ कि मूवी कैसी लगी। चलो बाय। ओके सो गाइज, आई एम बैक फ्रॉम द मूवी और अब मूवी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सो अगर आप लोग मार्वल या फिर किसी भी सुपर हीरो जॉनरा के फ़ैन हो या फिर स्पाइडरमैन के फ़ैन हो तो आप पक्का आई नो कि आप लोग ये मूवी देखने ज़रूर जाओगे। सो अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो स्पॉयलर अलर्ट, इसमें मैं थोड़ी सी स्पॉयलर्स देने वाला हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए देन स्किप दिस पार्ट। फर्स्ट थिंग जो मुझे इस पूरी मूवी में बहुत अच्छी लगी जो कि था अलग अलग यूनिवर्सेस का अलग अलग एनिमेशन स्टाइल होना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ग्वेन माइल्स और जितने सारे भी पवित्रन, जितने सारे भी अलग अलग स्पाइडरमैन के यूनिवर्सेस है, सबका एनिमेशन स्टाइल अलग अलग है। अगर मैं सच बोलूँ तो असली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस यही है। नेक्स्ट थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी कैनन इवेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें बताई गई कि कैसे हर एक स्पाइडरमैन एक कैनन इवेंट से लिंक्ड होता है और हर एक स्पाइडरमैन के लाइफ में एक ना एक कैनन इवेंट होता ही है। अगर वो चीज़ नहीं हुई तो बहुत बड़ा डिसरप्शन हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स में कि कैसे मिस्टर सिंह की डेथ नहीं हुई और उसका अर्थ कोलैप्स होना शुरू हो गया था। बट पता नहीं अब बेचारे का क्या होगा, लेट्स सी इन द नेक्स्ट मूवी क्या होता है। अगर हम लोग इस मूवी के विलेन के बारे में बात करें तो वो था स्पॉट, जो कि मुझे पहले तो कुछ खास नहीं लगा, मुझे लगा कि ये कोई ऐसे ही नॉर्मल सा टाइम पास वाला विलेन है। बट जब मूवी आगे बढ़ी तब आई अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी चीज़ है। अब तो नेक्स्ट मूवी में ही देखना पड़ेगा कि क्या होता है उसके साथ, एंड आई थिंक उसे जल्दी ही निपटा दिया जाएगा नेक्स्ट मूवी में, क्योंकि हमें सब कुछ तो पहले ही इस मूवी में स्पॉट के बारे में हर चीज़ बता दी गई है। एंड लास्ट थिंग जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है इविल माइल्स मोरालिस। मुझे लिटरली बिल्कुल लगा नहीं था कि ये चीज़ होगा, बट फिर भी वो चीज़ मैं जब मैंने देखी तो मैं शॉक हो गया। मुझे तो बिल्कुल लगा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जब मैंने वो सीन देखा तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये क्या कर दिया इन्होंने। बट आई थिंक नेक्स्ट मूवी में ये मेन विलन हो सकता है आफ्टर द स्पॉट, क्योंकि स्पॉट तो मे बी अगली मूवी में चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस मूवी के एंडिंग की तो ये क्लाइमेक्स पे आके ही बिल्कुल रुक जाती है, जब ग्वेन ने पूरा अपना टीम फॉर्म किया उसके बाद फिर तुरंत मूवी एंड हो जाती है और बिल्कुल एट द टाइम ऑफ वॉर वो मूवी ख़त्म हो जाती है। मुझे तो और देखने का मन था बट मूवी ख़त्म हो गई। ओवरऑल देखा जाए तो मूवी बहुत अच्छी थी, सबको देखना चाहिए जो भी स्पाइडरमैन या फिर किसी भी सुपर हीरो जॉनरा के फ़ैन हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी और कुछ और थ्योरीज पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को एडिट करने और फटाफट इसे अपलोड करता हूँ। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज शुभम सिंह साइनिंग आउट। इवेंचुअली